नमस्कार जोहार, मुझे पता है कि आपको इस दिन का बहुत इंतज़ार रहता है, तो इसीलिए मैं खुशी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए उभरते कलाकार के साथ। आज की हमारी जो उभरती कलाकारा हैं वो भरतनाट्यम डांस फॉर्म में निपुण हैं, और इनसे और भी जानेंगे, इनकी खूबसूरत कला को भी देखेंगे, इनके चैलेंजेस को भी जानेंगे और बहुत सारी इंस्पिरेशन इनसे हम लेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं आज की हमारी उभरती कलाकारा जया कुमारी जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में। जोहार और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ जी, दर्शकों को बताएं। नमस्कार जोहार। मेरा नाम जया कुमारी है और मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ रांची से ही की है, लेकिन स्पेशली डांस के लिए मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी गई थी, जो कि एशिया का नंबर वन यूनिवर्सिटी है, और मैंने अपना ग्रेजुएशन वहाँ से ही किया हुआ है और मास्टर मैंने कला क्षेत्र से किया हुआ है। तो आपने पूरी पढ़ाई भरतनाट्यम में की है और ये बहुत ही कठिन विधि है जी और बहुत ही खूबसूरत विधि है, तो हम और भी बातें करना चाहेंगे आपसे, मगर इससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ प्रस्तुत करके दिखाएं जी खूबसूरत सा भरतनाट्यम जी के फॉर्म में। तो सबसे पहले आप क्या पेश करने वाली मैं हैं? सबसे पहले गणेश स्तुति करूँगी, क्योंकि हम लोग जब किसी भी डांस की शुरुआत करते हैं तो भगवान का नाम लेकर जी ही जी करते हैं। बिल्कुल, जी तो चलिए देखते हैं।
बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति रही, और इस नृत्य में कितनी ताकत, कितनी शक्ति और कितना अभ्यास लगता है ये हमने देखा, कितनी खूबसूरती से इन्होंने प्रस्तुत किया। और जया से हम और भी आगे बातें करेंगे, मगर इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इन्होंने काफ़ी लंबा समय लेकर इस डांस फॉर्म को तैयार किया है, इसे पढ़ा है, और शास्त्रीय कला जो होती है वो कॉपी नहीं की जा सकती या उतारी नहीं जा सकती। इसकी खासियत ये है कि गणित की तरह, अल्फ़ाबेट्स की तरह, किसी भाषा की तरह इसे मूल रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो इतनी खूबसूरत प्रस्तुति जहाँ भाव भी थे, कला भी थी, तो हम चलते हैं जया के पास और उनसे जानेंगे कि ये सब, इन सब को छोटे छोटे भागों में थोड़ा सा हमें समझाएं। जी मैम, मैं आपको अपनी कुछ जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे। मैं जब ग्रेजुएशन पास करने के बाद कला क्षेत्र के लिए चेन्नई गई थी, तो उस वक्त मास्टर का मेरे हाथ में एडमिट कार्ड भी आ चुका था, लेकिन सडनली क्या हुआ, मेरा स्लिप डिसलोकेट हो गया, स्लिप डिस्क हो गया। तो इसके कारण डॉक्टर ने मुझे टोटली बेड रेस्ट कर दिया, टोटली। इवन मैं उनकी बात मना करने के बावजूद भी मैं डांस वापस से कर रही थी, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे साथ बार बार हो रहा था। लेकिन कुछ सालों के गैप के बाद मैं यहाँ रांची यूनिवर्सिटी में अपने मास्टर को कंप्लीट करने के लिए एडमिशन की, और आप एक मैजिक देखिएगा कि मैं 1820 बैच की गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। तो जैसे कहते हैं ना कि एक कलाकार का सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि उसे तालियां कम मिलेंगी या वो सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं, सबसे बड़ा डर होता है कि कला कहीं आपसे ना छूट जाए। और छूट कर जब दोबारा कोई चीज़ मिलती है ना, तो उसका कहते हैं ना कि भूखे को जब खाना मिलता है तो वो चावल भी कुछ और ही होता है, सोने के कण के बराबर होता है। इसमें मैं बोलूँगी मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है। मैं जहाँ भी जाना चाहूँ, जहाँ भी अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहूँ, उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका है। तो भरतनाट्यम का जो सफ़र है, ये आपने खुद सोचकर इसे शुरू किया या इसमें भी परिवार का इनिशिएटिव रहा आपके? मुझे डांस के बारे ABCD कुछ नहीं पता था। मेरे पापा के जो दोस्त थे उनकी बेटी डांस सीखती थी, तो उन्होंने घर पे बस यूं ही चर्चा किया, तो मम्मी मुझे भी वहाँ एडमिशन करा दी। फिर मुझे धीरे धीरे भरतनाट्यम के बारे पता चला, उसका अहमियत समझ में आया, और आज अब वो आपकी ज़िंदगी है, तो सही बात बन गया। पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा आपके बारे में, आपकी कला के बारे में कोई नहीं जान सकता। जी जी। और जितनी भी शास्त्रीय कला है वो बहुत ही कम उम्र से शुरू होती है, 3 साल 4 साल से बच्चे उसमें एक फुल्ली पार्टिसिपेशन देना शुरू कर देते हैं। जी। और उस 3 साल के छोटे बच्चे में उस प्रतिभा को ढूंढ कर निकालना और ज़बरदस्ती उन्हें क्लासेस के लिए भेजना, ये पेरेंट्स का योगदान है, और ये पेरेंट्स ही कर सकते हैं। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि अगले कोई खूबसूरत और प्रस्तुति हमें दे और चौंकाएं आप हमें, तो अगला आप क्या पेश करने वाली हैं? मैं आपको पहले डांस का एक छोटा सा मीनिंग क्लियर कर देती हूँ। डांस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, एक होता है नृत्य, एक होता है नृत्य, दूसरा होता है नाट्य, 3 होते हैं। नृत्य में होता है हम पूरा प्योर डांस करते हैं, सिर्फ डांस होता है, और नृत्य में हमारे अंदर जो मन के जो भाव है उनको हम मुद्रा के द्वारा प्रकट करते हैं, और लास्ट होता है नंबर 3 नाट्य, इसमें अभिनय, कथा, इन सभी को हम व्यक्त करते हैं। जी। तो मेरा नेक्स्ट होगा नाट्य, जिसमें मैं अभिनय व्यक्त करूँगी, नवरस। नवरस जी, नवरस काफ़ी चर्चा हमने और भी इंटरव्यूज में सुनी है, और देखेंगे आगे और फिर इनसे जानेंगे और भी इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म के बारे में, इस कला के बारे में। तब तक चलते हैं इनकी खूबसूरत प्रस्तुति की ओर। जी। करुणा करुणा
मुझे नहीं लगता कि इसके बाद हमें आपको समझाने की भी ज़रूरत पड़ेगी कि आपने अभी क्या करके हमें दिखाया। इतनी खूबसूरती और इतनी क्लैरिटी के साथ एक एक भावों को आपने प्रस्तुत किया। मुझे साफ समझ आ रहा था कि आप नवरस, अब समझ आ रहा है कि नवरस क्या है। ये भाव हैं, अलग भिन्न प्रकार के भाव हैं, और मुझे गूज़बम्स आ रहे थे ऑनेस्टली। इतनी क्लैरिटी और इतनी खूबसूरती के साथ आपने दिखाया, आप अब कुछ बताइए। नवरस हमारे डांस का पार्ट है जिसमें हम 9 अलग अलग भावों को दिखाते हैं, और वाकई सही बात है, क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसका मज़ा नहीं आएगा जी। जो अद्भुत बात यह है कि इतने कम समय में एक बीट के बंधन में और तुरंत इन भावों को बदलना और तुरंत इसे इतनी खूबसूरती इसके पीक पे प्रेजेंट करना जी। तो वाकई आपकी शिक्षा, आपका अभ्यास, आपका टैलेंट बहुत यूनिक है, और ये हमें धीरे धीरे समझ आ रहा है, धीरे धीरे हम आपको डिस्कवर कर रहे हैं। थैंक यू। तो मैं चाहूँगी कि हम और भी डिस्कवर करें, कम समय होता है हमारे पास, मगर हम चाहेंगे कि आपकी प्रतिभा को पूर्ण रूप से हम देख पाएँ जी। तो थोड़ा सा आराम देते हुए मैं चाहूँगी कि आप अगला कुछ हमें बताएं कि आप अगली प्रस्तुति क्या देने वाली हैं। मेरा अगला, जैसे मैंने आपको डांस का 3 पार्ट बताया जी, मैंने अभिनय दिखा दिया आपको, अभी मैं आपको नृत्य पोर्शन दिखाऊंगी जिसमें सिर्फ डांस रहेगा जी। सिर्फ डांस रहेगा, विशुद्ध डांस मतलब कि सुर और ताल। हाँ, सिर्फ वो सरगम बेस्ड है जी, भरतनाट्यम, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। चलिए।
वाकई खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। जो इन्होंने कहा कि एक हेल्थ प्रॉब्लम भी आई इनके बीच, इनके इस भरतनाट्यम को परस्यू करने के रास्ते में, और ये सबसे डरावनी और सबसे दुखदाई बात होती है जब आपका मन पूरा है मगर शरीर साथ ना दे। और इतनी सीरियस इंजरी के बाद मुझे लगता है ये आशीर्वाद था इनके गुरुओं का, इनके पेरेंट्स का, साधना थी इनकी, ये जो प्रैक्टिस है ये साधना ही है कि ये वापस नृत्य को कर पा रही हैं और इतनी खूबसूरती और इतनी बखूबी तरीके से कर पा रही हैं। वाकई ये एक मिरेकल है या फिर एक ब्लेसिंग है ताकि आप आगे परस्यू कर पाएँ और इतना बड़ा सोल्जर जो है भरतनाट्यम का वो यूं ही गेम से बाहर ना हो। और बहुत ही अच्छा लगा आपके नृत्य को देखकर। आपने जो लास्ट में फ्लो मूवमेंट किया, जिससे मतलब हम लोग जो नहीं जानते क्लासिकल, वो इसे फ्लोर डांस बोलते हैं, फ्लोर मूव्स बोलते हैं, ये चक्र कहलाता है, चक्र कहलाता है। तो ये जो घुटने पर रह कर करना, मुझे देखकर कहीं नहीं लगता कि आपको कभी हेल्थ इश्यू रही होगी। और ये फाइटर स्पिरिट है और ये आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है ट्रूली कि आप इस तरीके से वापस नृत्य कर पा रही हैं। जी मैम। और हम चाहेंगे कि आप इसे और आगे परस्यू करें और बखूबी तरीके से करें। वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है आज सो मच आपको नृत्य करते हुए देखकर। हमें बहुत पसंद है जब इस तरीके के उभरते कलाकार आते हैं जो
ना ही अपना टैलेंट पेश करते हैं, बट मगर एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनते हैं हमारे लिए, दर्शकों के लिए भी जो करना चाहते हैं, मगर सबके लाइफ में चैलेंजेस होती हैं, और ऐसे चैलेंज से उठकर अब मुझे नहीं लगता कि कोई और चैलेंज आपको इतना हिला पाएगा या डगमगा पाएगा अपने रास्ते से। और इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि भरतनाट्यम को लेकर आपका गोल क्या है, एम क्या है? भरतनाट्यम देखिए साउथ में तो इसका गढ़ है जी, लेकिन नॉर्थ साइड बात करें तो यहाँ पर सिर्फ कथक डांस लोगों को पता है। इवन मैं आ रही थी, अपने फ्रेंड को बता रही थी, तो तुम कथक करते हो ना, कॉस्ट्यूम वो देख रहे हैं लेकिन वो फाइंड नहीं कर पा रही किस चीज़ का कॉस्ट्यूम है। तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे उसको स्टेबल करना है कि भरतनाट्यम होता क्या है और लोग इससे क्यों भागते हैं। ये डरने की बात नहीं है, कठिन है। कठिन तो है, कथक में आप देखिएगा मैम, इंग्लिश में कहावत है ना, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, इसे देखना करना और समझना। तो आप इसको सिर्फ देखकर जज मत करें, एक बार आप आए करें, आपको अच्छा लगेगा आप तभी कंटिन्यू करें, लेकिन आई एम श्योर आपको जरूर अच्छा लगेगा। मुझे एक और रीज़न लगता है कि भरतनाट्यम को लोग कम जानते हैं कि हाँ। कथक को बहुत ज़्यादा फिल्मों में, सीरियल्स में हम लोगों ने देखा है जी, क्योंकि वो कथा कहने का एक माध्यम है, वो भी बहुत खूबसूरत डांस फॉर्म है, मगर भरतनाट्यम ज़्यादा स्ट्रिक्ट, ज़्यादा क्लासिकली रूटेड फॉर्म है, और इसे कहते हैं मैम हाफ सिटिंग में डांस करते हैं, अरमंडी जी अरमंडी में। तो ये बहुत ही कठिन है, मगर कठिन चीज़ों को भी करना आना चाहिए, तभी आना आप चाहिए। उसे आगे बढ़ेंगे। और आप एक टीचर हैं, आप भरतनाट्यम सिखाते भी हैं, तो चलिए आपके गोल पे जो पहुंचने का जो रास्ता है वो आपने सफ़र शुरू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि बहुत आगे जाएं और नॉर्थ इंडियन जो भी स्टेट्स हैं, जो एरियाज हैं, वहाँ पर भी भरतनाट्यम बखूबी फैले, और आप विसल ब्लोअर हो, आप फ्लैग बेयरर हो इसकी। और इसी के साथ हम सब आपको बहुत 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 शुभकामना देना चाहेंगे, थैंक यू सो मच मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज आप हमारे बीच आई, इतनी खूबसूरती प्रस्तुति दी, और इतनी खूबसूरती से आपने अपने लाइफ के चैलेंजेस को दिखाया, और किस तरीके से उसे उभरा जा सकता है ये भी बताया। मेरा तो मन था कि थोड़ा और डांस देखते मगर इसे हम देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, 100 बार देख सकते हैं, क्योंकि अब यूट्यूब पे इनका भी प्रोग्राम आएगा जो कि डीडी झारखंड के नाम से है, और ऐसे ही ढेर सारे उभरते कलाकारों से आप भी मिल सकते हैं और एक ही प्रोग्राम को बार बार भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका और हमारे सभी दर्शकों का, और फिर एक वादा करती हूँ कि फिर अगले बार हाजिर होंगे एक नए उभरते कलाकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।